लगातार बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन जारी था। लखनऊ आंदोलन के दौरान राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ ने वार्ता में मध्यस्थता करते हुए बुलाया हमें और आंदोलन स्थगित करवाया और मुख्यमंत्री से वार्ता करवाई, अधिकारियों से वार्ता करवाई और आश्वासन मिला कि जल्द आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन 3.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और उन वादों को याद दिलाने के लिए आज उनके घर के बाहर धरना दिया। पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में ली, धक्काबुक्की की, जो एक अशोभनीय घटना है। लेकिन यह जरूर निश्चित है कि हम डरने वाले नहीं है। कांग्रेस को खुली चेतावनी, यदि उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में राजस्थान में 10 सीटें भी नहीं आएंगी, क्योंकि हम लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि लंबित भर्तियां होना जरूरी है। पेपर लीक हुआ, बजरलाल कांग्रेस के एमएलए के साथ पार्टियां कर रहे हैं। 2012 शिक्षक भर्ती का मामला हो, पंचायत एलडीसी हो, पंचायत अध्यक्ष हो, पीटीआई भर्ती पद बढ़ाने का मामला हो, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 600 निवासी पद जोड़ने का मामला हो, चाहे वो नकल विरोधी जो गैर जमानती कानून लाने की मांग थी वो कानून अभी तक नहीं आया, भर्ती परीक्षाओं में जो माफिया जो पकड़े गए थे लीक में वो आज छूट कर आ रहे हैं, आज बेरोजगार रो रहे हैं, 16.5 लाख बेरोजगार रो रहे हैं। वही जो बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त करने की मांग थी, 1 लाख भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जिनकी, उनका वर्गीकरण नहीं हुआ कि कब उनकी एग्जाम होगी, वही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पता नहीं कि उनकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब एग्जाम होगा। वही रीट के बाद एक और एग्जाम होने वाली भर्ती का न सिलेबस का पता है न विज्ञप्ति का पता है। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगार परेशान है। चिकित्सा कर्मचारियों की भर्तियों का मामला है, लंबी तो नई भर्तियों के साथ तमाम मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो युवा प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। अब लड़ाई आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया है, हम किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।